हमें इनर इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हमें बताते हैं, आज जो हमारी उपजीविका की प्रक्रिया है वह पहले से काफी अधिक बेहतर है। आज हम साल भर की चीजें सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, वह भी बिना घर से बाहर निकले। पहले राजा महाराजाओं के लिए जो चीज दुर्लभ थी, आज वो आम इंसान के हाथ में है। लेकिन उसके साथ हमने बहुत सी जटिलताएं क्रिएट कर ली हैं, बहुत सारा तनाव हमने क्रिएट कर लिया है। हजारों सालों से हमारी यह समझ है, अगर हमने बाहर की स्थिति को ठीक कर लिया तो हमारे अंदर की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सतगुरु कहते हैं, जो तरीका हजारों साल पहले कारगर सिद्ध नहीं हुआ वह आगे कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है। अब समय आ गया है अंदर की स्थिति को ठीक करने का, यानी इनर इंजीनियरिंग का। वह कहते हैं कि इसके लिए हम सिर्फ एक काम करना है, अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। हमें यह समझना है कि हमारे सारे अनुभव का आधार व स्रोत जो है वह हमारे अंदर ही होता है। अगर आप अंदर से सुखी हो जाते हो तो इसे आनंद और शांति कहते हैं। अगर आपके पास वातावरण सुखी हो जाता है तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमें भोजन का आनंद लेना है तो हमें अंदर से खुश होना होगा। अगर आपको अपने परिवार और परिजनों का आनंद लेना है तो आपको पहले अंदर से खुश होना होगा। खुशियों का ही कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता, अंतिम लक्ष्य नहीं होता, या तो हर काम को शुरुआत करने से पहले अनिवार्य होता है। लेकिन आज खुशहाल रहना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अंदर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अंदर से खुश होने के लिए हमने बाहर की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से हम खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वह हम अपने अंदर फील करते हैं। जो भी हम देखते हैं वह अपने अंदर ही देखते हैं। जब भी हम कोई किताब देखते हैं तो क्या उसकी इमेज बाहर क्रिएट होती है? उसकी इमेज तो हमारे अंदर ही क्रिएट होती है। लाइट उस किताब पर गिरती है, वह हमारे आँखों की पुतली तक पहुँचती है। हमारे आँखों का रेटिना उसकी उल्टी इमेज बनाता है, मतलब हम किताब को अपने अंदर ही देखते हैं। हर चीज को हम अपने अंदर ही देखते हैं, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, चाहे वह दुख हो या सुख हो, हर एक एहसास हमारे अंदर ही होता है। अगर हमें हर इमेज अंदर से बहुत सुंदर क्रिएट करनी है तो हमें इनर इंजीनियरिंग को सीखना होगा, इसे समझना होगा। जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझें। आज आपको यह एहसास करना होगा, आप जो भी हो और जो कुछ भी नहीं हो वह सिर्फ आप अपनी वजह से ही हो। हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की। तो आपको ऐसा क्या करना है? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास स्वतंत्रता आती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय दूसरों को दोष देने के या फिर गुस्सा करने के। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में विष पैदा होता है। जब हमारा शरीर पूरे तरीके से विषैला हो जाता है, हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा मन जो डिस्टर्ब हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। फिर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरे कभी नहीं सुधरते क्योंकि वह हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हमारे मन की स्थिति हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझना होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी लेते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। फिर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए। योग विज्ञान को समझिए। हमें योग विज्ञान को समझना होगा क्योंकि हमारी क्षमताएं असीमित होती है, यह हमें योग विज्ञान सिखाता है। योग हमारे अंदर की स्थिति को वैसा ही रखता है जैसा हम उसे रखना चाहते हैं। जब अंदर की स्थिति में तालमेल आ जाता है तो हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से काम करने लगती है। तब हमारी सर्वोत्तम क्षमताएं प्रकट होने लगती है। सदगुरु कहते हैं कि कुछ धार्मिक पुरखों ने इंसान से जुड़ी हर खूबसूरत चीज को दूसरे लोक में रख दिया। अगर आप आनंद की बात करेंगे तो वह अलौकिक आनंद के बारे में बात करेंगे। अगर आप शांति के बारे में बात करेंगे तो वह दिव्य शांति की बात करेंगे। अगर आप प्रेम की बात करेंगे तो वह ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे। अगर हमें यह सारे एहसास करने हैं तो हमें उसके लिए दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। इंसान के इस जन्म में तो यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन सदगुरु कहते हैं यह सब हमारे मानवीय गुण हैं। हम इंसान रहते हुए ही यह सारी प्रेम शांति और आनंद महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर ईश्वर और स्वर्ग की बातें इसलिए होती है क्योंकि हम मनुष्य होने की विशालता को भूल गए हैं। योग हमें महामानव नहीं बनाता, वह सिर्फ हमें ऐसा एहसास कराता है मानव होना ही अपने आप में महान है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे पास शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी, मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं,
उससे जो शरीर बनता है उससे अन्यमयी कोश कहते हैं। मेंटल बॉडी, इससे मनोमयी कोश यानी कि मानसिक शरीर कहते हैं। इस मानसिक शरीर में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उसकी वजह से ही साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब इसका असर हमारे भौतिक शरीर पर भी आता है। मनोमय कोश व अन्मय कोश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ मस्तिष्क में नहीं होता। अगर वह सिर्फ मस्तिष्क में होता तो बीमारियां सिर्फ मस्तिष्क में ही आती, लेकिन हमारे शरीर की हर कोशिकाओं की अपनी बुद्धिमत्ता होती है। यह एक पूरे तरीके से मानसिक शरीर होता है, इसलिए मानसिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर शारीरिक काया पर होता है। शारीरिक काया में जो बदलाव होता है उसका असर हमारी मानसिक काया पर होता है। हमारा भौतिक शरीर अगर हार्डवेयर है तो मानसिक शरीर सॉफ्टवेयर होता है। एनर्जी बॉडी, इसे प्राणमयी कोश यानी कि ऊर्जा शरीर भी कहते हैं। ऊर्जा शरीर हमारे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में ऊर्जा प्रभावित करने का काम करता है। अगर ऊर्जा शरीर हमारा संतुलित रहता है तो हमारे मानसिक शरीर व भौतिक शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं आती। विजडम बॉडी, इसे ज्ञानमयी शरीर भी कहते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी होता है, तो विशेष ज्ञान का मतलब असाधारण जानकारी होता है। हमारे शरीर का यह जो आयाम है उसमें असाधारण जानकारी होती है, यह पांच इंद्रियों से परे होता है। ब्लिसफुल बॉडी, इसे आनंदमय कोश कहते हैं। यह पूरे तरीके से अभौतिक होता है। शरीर के इस आयाम को अगर हम स्पर्श करते हैं तो हम पूरे तरीके से आनंदमय हो जाते हैं। इसमें समय और स्थान की सीमाएं खत्म हो जाती है। कई ऐसे योगियों की कहानियां हैं जो बहुत समय तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान धारणा करते थे। यह कैसे पॉसिबल होता था कि एक ही जगह पर लंबे समय तक ध्यान कर पाना? उन्होंने शरीर के इस आयाम को स्पष्ट कर लिया होता है, इसलिए उनके लिए समय और स्थान की सीमा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती थी। अगर हमारा भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर संतुलित हो जाता है तो हम इस आयाम में प्रवेश कर लेते हैं। योग और साधना के द्वारा हम भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर में संतुलन क्रिएट कर सकते हैं। क्या हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है? वास्तव में हमारा शरीर दुनिया का सबसे अद्भुत मशीन है। दुनिया की सारी मशीनें इस मशीन से निकली हैं, लेकिन क्या हम इसकी क्षमताओं का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सदगुरु कहते हैं कि हम अपने शरीर की क्षमताओं का 1% से भी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ जिंदा रहने के लिए और जिंदगी जलाने के लिए हमारे शरीर की क्षमता 1% से भी कम की जरूरत पड़ती है। हम हमारे शरीर से बहुत ही मामूली काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वह भौतिक लेवल तक सीमित है। योग हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की जो पांच इंद्रियां हैं उसके परे हम इसकी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड करने की क्षमता रखता है। हम अगर अपने शरीर को सही स्थिति में रखते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए सदगुरु अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं। सदगुरु जी कुछ साल तक एक फार्म हाउस में रहते थे। पास के गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि ना के बराबर सुनता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि वह किसी की बातों का जवाब नहीं देता था। सदगुरु ने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। एक दिन वह व्यक्ति सुबह 4 बजे खेत जोतने लग गया। सदगुरु ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि बारिश तो नहीं हुई है, ऊपर आसमान भी बिल्कुल साफ है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है, इसके बाद भी आप खेत क्यों जोत रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि स्वामी जी, आज बारिश होने वाली है। सचमुच उस दिन बारिश हुई। सदगुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, जो बात इस व्यक्ति को समझ में आई वह मुझे क्यों समझ में नहीं आई? उन्होंने इधर उधर हाथ घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश की, आसमान को पढ़ने की कोशिश की, मौसम से संबंधित बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन कंटिन्यूसली उस दिशा में प्रयास करने से 18 महीने बाद उन्हें इसमें महारत हासिल हुई। सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं बोलूं आज बारिश होने वाली है तो इसकी संभावनाएं 90% होती है। यह कोई जादू या ज्योतिष नहीं है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है वह हमें यह इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके लिए सदगुरु जी बहुत खूबसूरत साधना बताते हैं। सांसों से संबंधित साधना, सदगुरु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, हर रोज 5 मिनट आपको मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है, आंखें बंद करना है, सांसों को स्थिर होने देना है। आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर हो रही हैं। क्या मतलब है सांसों का स्थिर होने का? सदगुरु बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। अगर यह सांसें 12 बार स्थिर हो जाती है तो आपके वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके प्रति आप ग्रहणशील हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है आपके आसपास का वातावरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। अगर यह सांसें 9 पर स्थिर हो जाती है
तो आप प्राणियों की भाषा समझने लग जाते हो। अगर यह सांसें 6 पर स्थिर हो जाती है तो आप इस पृथ्वी के बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। वहीं अगर यह सांसें 3 पर स्थिर हो जाती है तो सदगुरु कहते हैं कि आप सृष्टि की कृपा के प्रति पूरी तौर पर ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हमें अपनी सांसों को ना तो जबरदस्ती पढ़ना है और ना ही उन्हें जबरदस्ती कम करना है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे हमारी सांसें स्थिर होने लगती है। कौन सा भोजन ठीक है, मांसाहार या शाकाहार, इन सब के साथ आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोजन की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे लिए शाकाहार या मांसाहार कौन सा भोजन ठीक है, सदगुरु जी कहते हैं कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यह बात हमारा शरीर ही हमें बताता है उसके लिए किस प्रकार का भोजन सही है। जिस प्रकार के भोजन से आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है उसी भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। एक तथ्य आपको समझना है, अगर आप कच्चा मांस खाते हो तो उससे हमारे सिस्टम से बाहर आने के लिए 70 से 72 घंटे लगते हैं। यह हमारे शरीर में 70 से 72 घंटे तक रहता है। अगर आप पका हुआ मांस खाते हैं तो इसके लिए 50 से 52 घंटे लगते हैं। अगर आप पकी हुई सब्जी खाते हो तो उसके लिए 24 से 28 घंटे लगते हैं। वह अगर आप फलहार करते हो तो उसके लिए 3 से 2 घंटे लगते हैं। आपके काम का स्वरूप कैसा है, आपकी तासीर कैसी है, उसके हिसाब से आपको अपने भोजन को चुनना है। इसके साथ सदगुरु जी कहते हैं कि आपको अपना पाचन तंत्र को भी समझना है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर क्षार या अम्ल प्रोड्यूस करता है। एक साथ कई प्रकार के भोजन खा रहे हो तो हमारा शरीर कन्फ्यूज हो जाता है, तब वह एक साथ अम्ल व क्षार प्रोड्यूस करता है। जो खाना हमने ग्रहण किया है वही काफी देर तक हमारे पेट में ही रहता है, वह जल्दी से बाहर नहीं आता, परवास वहीं सड़ने लगता है। उपवास का हमारे शरीर के लिए महत्व, सदगुरु कहते हैं कि हमारे शरीर का जो चक्र है वह 48 से 40 दिनों में पूरा होता है। इस चक्कर में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जो 3 दिन हैं, आप वो बिना भोजन के भी रह सकते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर की साफ सफाई का समय भी होता है। लेकिन यह 48 से 40 दिन में वह 3 दिन कौन से हैं जहाँ पर हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, यह हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को उपवास का दिन रखा है। आप उस दिन उपवास कर सकते हो। वह हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्र मास के 11वें दिन आता है। मन का महत्व, इनर इंजीनियरिंग के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। सदगुरु जी हमसे पूछते हैं कि आप अपनी जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर जिंदगी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा जो है वो जिंदगी के बारे में सोचने में लगा देते हैं। आपको ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी समय से घूम रही है, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत अलौकिक घटना है। सारी आकाश गंगा समय से चल रही है, पूरा ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा घटिया सा विचार आता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। जिससे भी हम पहचान जोड़ लेते हैं उसी के हिसाब से हम विचार भी आते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक इंसान हैं तो उसी प्रकार से हमें विचार भी आएंगे, उसी प्रकार की भावनाएं महसूस करेंगे। अगर हम अपने आप को किसी राष्ट्र या धर्म के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा मन भी उसी दायरे में काम करने लगता है, उसी प्रकार के विचार आना हमें शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमारी सारी पहचान खत्म हो जाती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप मृत्यु आने से पहले सजग हो जाएं तो सारी परेशानियां हमें जीवन में कभी दोबारा नहीं होगी। अध्यात्म के अनुसार मानव मन के प्रकार, हमारा मन 5 स्थितियों में रह सकता है। उसकी पहली स्थिति निष्क्रिय मन होती है। यह मन ज्यादातर सक्रिय नहीं होता है, ये इंसानों से कम लेकिन प्राणियों से ज्यादा निकट होता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हो तो यह सक्रिय मन बनता है, मतलब यह बहुत सारी जगह पर भटकता है। जो लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो शुरू में उनका मन सक्रिय होने लगता है या बहुत सारी जगहों पर भटकने लगता है। अगर वह सही मार्गदर्शन का अभ्यास नहीं करते तो बहुत सारे लोग इस भटकाव से थक जाते हैं, मन की सक्रियता से डर जाते हैं, अपना अभ्यास बीच में ही रोक देते हैं। अगर आप इसे ऊर्जावान करते हो तो हमारा डावाडोल होने लगता है, मतलब यह सक्रियता धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, यानी डावाडोल होने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन यह सक्रियता से काफी बेहतर है। पहले हम 10 जगह पर भटकते थे, अब इसका भटकाव कम हो जाता है। अगर इसे आप ऊर्जावान करते हो तो यह मन लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, फिर पूरी तरीके से यह एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हो तो यह सचेतन मन बन जाता है,
हमारा मन जब सचेतन बन जाता है तो यह कल्प वृक्ष बन जाता है, ये जादू बन जाता है, ये चमत्कार बन जाता है। आप इससे जो भी मांग करते हो उसे वह साकार कर देता है। जब आपका मन स्थिर होने लगता है तो आपका शरीर भी स्थिर होने लगता है, आपकी भावना भी स्थिर होने लगती है। अगर इस बुक की बातें आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी इन बातों को सीख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दो अक्षरों का एक बदनाम शब्द। एक दिन एक आदमी शंकरन पिल्ले की दवा की दुकान की तरफ जा रहा था कि उसे दुकान के बाहर लैंप पोस्ट से लिपटा एक आदमी नजर आया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। जब वह दुकान के अंदर गया तो उसने शंकरन से पूछा, वह आदमी कौन है, क्या हुआ है उसको? शंकरन पिल्ले ने तुरंत जवाब दिया, अरे वह मेरा ही ग्राहक है, लेकिन उसको हुआ क्या है? वह खांसी की कोई दवा मांग रहा था, मैंने दवा दे दी। आपने उसको क्या दवा दी? मैंने एक डिब्बा जुलाब मतलब पेट साफ करने की दवा दे दी है और उसे वही खा लेने के लिए कहा। सिर्फ खांसी के लिए जुलाब? आपने उसको जुलाब क्यों दिया? अब जरा उसे देखो, वह खांसने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अपनी खुशहाली की तलाश करने वाले लोगों को भी आज दुनिया में इसी तरह का जुलाब पिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु आज महज दो अक्षरों का एक शब्द बनकर रह गया है। दुर्भाग्य से हम इस शब्द का सही अर्थ भूल गए हैं। गुरु शब्द का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। आम धारणा यह है कि गुरु का काम ज्ञान व उपदेश देना या धर्म परिवर्तन कराना होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरु का काम आपके लिए उन आयामों को उजागर करना है जो आपके अनुभव में नहीं है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के बोध तथा आपके मनोवैज्ञानिक नाटक से परे होते हैं। मुख्य रूप से गुरु इसलिए होता है ताकि वह आपके अस्तित्व की प्रकृति से आपका परिचय करा सके। आजकल बहुत ही गलत और खतरनाक ढंग से बहकाने वाली शिक्षाएं दी जा रही है, इन्हीं में से एक है इस पल में रहना। ऐसी शिक्षा देने के पीछे धारणा यह है कि अगर आप चाहें तो आप कहीं भी रह सकते हैं। भला यह कैसे संभव है? वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जहां आप रह सकते हैं। अगर आप जीवित हैं तो इसी पल में जीवित हैं, अगर आप मरते हैं तो इसी पल में मरते हैं। यह पल नित्य है, शाश्वत है। अगर आप चाहें भी तो इससे कैसे भाग सकते हैं? अभी आपकी समस्या यह है कि आप उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जो 10 साल पहले आपके साथ घटित हुई थी। इस बात को सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कल कुछ होने वाला है, लेकिन दोनों ही जीवंत वास्तविकता नहीं है। यह सब स्मृति व कल्पना के खेल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके शांति पाने के लिए अपने दिमाग को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि आपको अपने दिमाग की डोर थामने की जरूरत है। आपके दिमाग में बहुत अधिक यादें होती हैं तथा कल्पना की बहुत अधिक संभावनाएं भी होती हैं, जो लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। जब आप चाहें इसका इस्तेमाल करें, जब जरूरत न हो तो इसको एक तरफ रख दें। तो ऐसे में दिमाग बहुत अच्छा उपकरण हो जाता है। अतीत से बचकर निकलना और भविष्य की अपेक्षा करना इस शानदार क्षमता को महत्वहीन बना देता है। इसलिए इस पल में रहना एक तरह से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रुकावट बन जाता है जो हमारे अस्तित्वगत सत्य को नकारता है। आजकल एक और शिक्षा दी जा रही है, एक समय में एक काम करें। यह एक लोकप्रिय स्लोगन बन गया है। जब दिमाग जैसी बहुआयामी मशीन हमारे पास है जो बहुत सी गतिविधियों को एक साथ संभाल सकता है, तो एक समय में एक ही काम क्यों करें, बजाय इसके कि उसका उपयोग करना सीखा जाए और दिमाग को साधना सीखा जाए। आप इसको मारना क्यों चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि मानसिक काम करने की खुशी कैसी होती है? फिर दिमाग को संकुचित क्यों किया जाए, उसे जानबूझकर जड़ क्यों बनाया जाए? एक और मुहावरा है जो बहुत अधिक फैशन में है, जिसका बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाता है, वह है सकारात्मक सोचें। जब आप इसका उपयोग ऐसे मंत्र के रूप में करते हैं जिससे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तब ये मंत्र नहीं बल्कि सच्चाई पर पर्दा डालने का काम करता है। जब आप अपने दिमाग को ड्रामा के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं, सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं, शुरू में हो सकता है यह आपके जीवन को नए आत्मविश्वास और उम्मीद से भर दे, लेकिन वास्तव में यह बहुत सीमित है। अगर लंबे समय तक आप वास्तविकता को नकारते हैं तो यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक तरफा बना देता है। इसके अलावा इंसान की खुशहाली को स्वर्ग को एक्सपोर्ट करने का कारोबार काफी समय से चला आ रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि संसार का मूल प्रेम है।
प्रेम माननीय संभावना है। अगर आप इस बारे में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने कुत्ते से सीख सकते हैं, वह प्रेम से भरा होता है। प्रेम को जानने के लिए आपको किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। ये सभी बचकानी सिद्धांत इस धारणा से आते हैं कि सारा अस्तित्व मानव केंद्रित है। इस एक विचार ने हमारी समझ को छीन कर इतिहास में हमसे कुछ जघन्य अमानवीय अपराध कराए हैं और ये सब आज भी हो रहा है। एक गुरु के रूप में मेरे पास देने के लिए कोई शिक्षा नहीं है, समझाने के लिए कोई फिलोसफी नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई मत या सिद्धांत नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मानवता की समस्त बीमारियों का एकमात्र हल है खुद का रूपांतरण, आत्म रूपांतरण को धीरे धीरे बेहतर बनाना नहीं है। आत्म रूपांतरण नैतिकता व आचार संहिता से या व्यवहार में बदलाव लाने से नहीं होता, बल्कि अपनी असीमित प्रकृति को अनुभव करने से होता है। आत्म रूपांतरण का मतलब है कि अब पुराना कुछ भी नहीं, यह जीवन को जानने और अनुभव करने के पूरे आयाम को ही बदल देता है। इसको जानना ही योग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसके साकार कर लेता है वह योगी है। जो इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है वह गुरु है। इस पुस्तक के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह है कि आनंद आपका हमेशा का संगी साथी बन जाए। इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए यह पुस्तक आपको कोई उपदेश नहीं बल्कि एक विज्ञान भेंट करती है, कोई शिक्षा नहीं बल्कि एक तकनीक भेंट करती है, कोई नियम नहीं बल्कि एक मार्ग भेंट करती है। उस विज्ञान की खोज करने का, उस तकनीक के ऊपर काम करने का, उस रास्ते पर चलने का अब समय आ गया है। गुरु इस यात्रा की मंजिल नहीं बल्कि वह रोड मैप है। आंतरिक आयाम एक अनजाना इलाका है। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए अनजान है तो यह अच्छा नहीं होगा कि आपके पास रोड मैप हो। एक तरह से गुरु का मतलब होता है जीता जागता रोड मैप, GPS यानी गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। और इसलिए यह दो अक्षरों का बदनाम शब्द आपका काम दोगुना आसान बनाने के लिए मैंने सोचा इसे मैं चार अक्षर का बना दूं, सदगुरु। खंड एक, पाठकों के लिए संदेश। इस तरह की पुस्तक को पढ़ने के कई नजरिए हो सकते हैं। पहला कि आप सीधे अभ्यास को करना शुरू कर दें, खुद से इनको आजमाने में लग जाए। मगर यह किताब सेल्फ हेल्प पुस्तक होने का दावा नहीं करती है। इसमें एक जबरदस्त व्यवहारिक रुझान तो है पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। दूसरा यह है कि आप इसे सैद्धांतिक रूप से ले, मगर यह विद्वता हासिल करने के लिए भी नहीं है। मैंने कभी भी योग का कोई ग्रंथ पूरी तरह नहीं पढ़ा है, मुझे कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने आंतरिक अनुभव को आधार बनाया। अपने जीवन में काफी बाद में जाकर मैंने पतंजलि के कुछ योग सूत्रों को सरसरी निगाह से पढ़ा, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तब मैंने महसूस किया कि मैंने उनके मर्म तक मेरी एक खास पहुंच है। इसका कारण यह है कि मैंने उन्हें सैद्धांतिक रूप से पढ़ने के बजाय अनुभव के स्तर पर देखा। योग जैसे एक गूढ़ विज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत में सीमित कर देना उतना ही दुखद है जितना कि उसका इस्तेमाल बीमारियों को दूर करने वाली कसरतों के रूप में करना। और इसलिए इस किताब को अंततः दो खंडों में बांटा गया है। पहले में रोड मैप बनाया गया है और दूसरे में उस पर चलने के तरीके सुझाए गए हैं। इस खंड में आप जो पढ़ने वाले हैं वह विद्वता या विशेषज्ञता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ मौलिक दृष्टि भेंट करने की कोशिश की गई है ताकि दूसरे खंड के लिए एक ठोस आधार तैयार हो सके जिसके ऊपर अभ्यास पर आधारित ढांचा खड़ा किया जा सके। ये अंतर्दृष्टि या कोई सिद्धांत या उपदेश नहीं है और निश्चित रूप से निष्कर्ष भी नहीं है। उन्हें एक ऐसी यात्रा की दिशा सूचकों के रूप में देखा जा सकता है जो सिर्फ आपको करनी है, किसी और को नहीं। ये ऐसे मूल दृष्टिकोण है जो मेरी उस चरम जागरूकता में जन्मे हैं जो 33 साल पहले एक रूपांतरित अनुभव के बाद मुझे मिली। यह खंड आत्मकथा चर्चा के साथ शुरू होता है ताकि आप उस लेखक के बारे में कुछ जान सके जिसके साथ आप समय बिताने वाले हैं। अगर आपने बाकी पुस्तक पढ़ने का फैसला किया है इसके बाद यह खंड कुछ बुनियादी विचारों की जांच परख करता है, जिसमें कुछ आम तौर पर उपयोग और दुरुपयोग होने वाले शब्द जैसे नियति, जिम्मेदारी, खुशहाली और उससे भी महत्वपूर्ण शब्द योग का अन्वेषण करता है। इस खंड के अध्याय एक साधना के साथ समाप्त होते हैं। संस्कृत में साधना शब्द का अर्थ है उपकरण या साधन। खोज के ये उपकरण आपको एक पाठक के रूप में उन पन्नों में बताए गए विचारों को प्रयोग में लाने का मौका देते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यह दृष्टि आपके लिए कारगर हो रही है या नहीं। खंड दो में और अधिक साधनाएं देखने को मिलेगी। मुझे अक्सर बताया जाता है कि मैं एक मॉडर्न गुरु हूँ।
उस टिप्पणी पर मेरा जवाब यह है कि मैं न तो मॉडर्न हूँ, न प्राचीन, न नए युग का, न पुराने युग का, मैं इस युग का हूँ। और यह गुरु ऐसा ही रहा है। सिर्फ विद्वान, पंडित और धर्मशास्त्री प्राचीन या आधुनिक हो सकते हैं। सिद्धांत या विश्वास पुराना या नया हो सकता है, मगर गुरु हमेशा समकालीन होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुरु वह है जो अंधकार को दूर करता है, जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। अगर कल मैंने किसी के लिए दरवाजा खोला था या मैं आपके लिए दरवाजा खोलने का वादा करूं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मूल्य तब है जब मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूं। तो सत्य समय से परे है, मगर तकनीक और भाषा हमेशा समकालीन होती है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कोई परंपरा अपने समय में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न रही हो, अगर वह अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हो तो उसे बस म्यूजियम में ही रखा जा सकता है। हालांकि मैं इस किताब में एक प्राचीन तकनीक का अन्वेषण करूंगा, पर यह एक ऐसी तकनीक है जो आज भी पूरी तरह से कारगर साबित होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरी दिलचस्पी कुछ नया सिखाने में नहीं है, मेरी दिलचस्पी सिर्फ सत्य में है। मगर मैं आशा करता हूँ कि अगले खंड में आपको कुछ ऐसे पल भी मिलेंगे जहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होंगे। क्योंकि जब सही स्थितियाँ होती है, जब कोई दृष्टि आंतरिक स्पष्टता से पैदा होती है और वह ग्रहणशीलता से सही पल में पाठकों को भेंट की जाती है, तो एक पुरातन सत्य जबरदस्त तरीके से रूपांतरणकारी साबित होता है। अचानक वह ताजा, जीवंत, प्रदीप्त व नवीन हो जाता है, मानो उसे इतिहास में पहली बार बोला या सुनाया गया हो। जब मैंने अपनी सुध-बुध खो दी, तब मैं एक इंसान था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ा क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए समय था, पर मैंने सब गंवा दिया, वो सब जो मैं और मेरा था। मैं और मेरा के जाने से मेरा सारा संकल्प और कौशल जाता रहा। अब मैं हूँ एक खाली घड़े समान, अधीन हूँ ईश्वरीय इच्छा और अंततः कौशल के। मैसूर शहर में एक चलन है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो चामुंडा पहाड़ी पर जाइए, और अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो भी चामुंडा पहाड़ी पर जाइए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चामुंडा पहाड़ी पर जाइए, और अगर आप प्यार में दिल टूटा तो चामुंडा पहाड़ी पर जाइए। एक दोपहर मेरे पास करने को कुछ नहीं था और हाल ही में मेरा दिल भी टूटा था, इसलिए मैं चामुंडा पहाड़ी पर चला गया। एक स्थान पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और करीब दो तिहाई पहाड़ी चढ़ने के बाद एक चट्टान पर बैठ गया। वह मेरी ध्यानशिला थी, वह काफी समय से थी। उस चट्टान पर बैंगनी बेर व बरगद के नाटे पेड़ ने अपनी मजबूत जड़ें जमाई हुई थी। वहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस क्षण तक मेरा जो अनुभव था उसके अनुसार मेरा शरीर और मन दोनों में थे और शेष विश्व बाहरी। लेकिन अचानक मुझे भान नहीं रहा था कि क्या था और क्या नहीं। मेरी आंखें अभी भी खुली थी, लेकिन मैं जिस हवा में सांस ले रहा था, जिस पत्थर पर मैं बैठा था, सब मैं बन गया था। वहां जो कुछ था सब मैं था। मैं सचेत होते हुए भी चेतन नहीं था। चीजों में फर्क कर पाने की इंद्रियों की प्रकृति खो चुकी थी। इसके बारे में जितना ज्यादा कहूंगा उतना ही ज्यादा पागलपन लगेगा, क्योंकि जो हो रहा था वह अवर्णनीय था। मेरे में हर जगह व्याप्त था, हर चीज अपनी तय सीमाओं से परे विस्तार कर रही थी, हर चीज विस्तृत होकर दूसरी हर चीज में समा रही थी। यह संपूर्णता की आयाम रहित एकता थी। बस वही पल अब मेरे जीवन है जो बहुत सुंदरता से बरकरार है। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन मेरी घड़ी की सुइयां बता रही थी कि शाम के 7:30 बज चुके थे, यानी 4 घंटे बीत चुके थे। मेरी आंखें खुली थी, सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो गया था। मैं पूरी तरह से सतर्क था, लेकिन उस पल तक जिसमें मैं मेरा और मैं मानता था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैं रोने धोने वाले में से नहीं हूँ, मगर फिर भी चामुंडा पहाड़ी की उस चट्टान पर 25 साल की उम्र में मैं इतना उन्मुख था कि मेरे आंसू बह रहे थे और मेरी कमीज गीली हो चुकी थी। शांत और खुश रहना मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा। जैसा चाहा वैसी जिंदगी बिताई। मैं 60 के दशक में बड़ा हुआ, वह बीटल्स और ब्लू जींस का दौर था। मैंने यूरोपीय दर्शन और साहित्य में दोस्तोयेवस्की, कामू, काफ्का और उन जैसे अन्य लेखकों को पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ अपने अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम में मेरा विस्फोटक ढंग से सामना हुआ,
जिसकी मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी। मैं उल्लास और आनंद की एक बिल्कुल नई अनुभूति से भीग चुका था, जिसका न तो मैंने कभी अनुभव किया था, न ही उसकी संभावना की कल्पना ही की थी। इस बारे में जब मैंने अपने संशयी दिमाग पर जोर डाला तो मुझे इतना ही समझ आया कि शायद मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। फिर भी यह इतना खूबसूरत था कि मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। अलबत्ता उस दोपहर को क्या हुआ था उसे बताने में मैं कभी पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाया। शायद उसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं ऊपर गया और फिर नीचे नहीं आया। मैं फिर कभी नीचे आया ही नहीं। मेरा जन्म मैसूर में हुआ, अपने महलों और बाग बगीचों के लिए मैसूर। दक्षिण भारत की सुंदर और शाही नगरी मैसूर एक दौर में राजधानी हुआ करती थी। मेरे पिताजी डॉक्टर और माँ घरेलू महिला थी। मैं चार भाई बहनों में सबसे छोटा था। स्कूल में मैं ऊब जाता था, और तो और मेरे लिए कक्षा में बैठना भी असंभव था, क्योंकि मैं देख सकता था कि अध्यापक जो सिखाते हैं उसका अपनी आम जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। जब मैं चार साल का था तब घर की आया मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। मैंने उससे कह रखा था कि वह मुझे स्कूल के गेट पर ही छोड़ दे। अंदर नहीं आए जो ही वह मुझे छोड़कर जाती, मैं पास की घाटी की तरफ भाग निकलता, जहाँ जीवन की अनगिनत अनूठे रूपों से फल फूल रहा था। मैं पिताजी की दवाइयों की अलमारियों से मिली खाली बोतलों में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मेंढक और सांप इकट्ठे करने लगा। कुछ महीने बाद जब माता पिता को पता चला कि मैं स्कूल से गायब रहता हूँ, तो इस बारे में जानकर वे बहुत नाराज हुए। घाटी के मेरे इस जीवशास्त्र के अभियान को बरसाती नाले में बर्बाद करना कहकर खारिज कर दिया गया। बड़ों की सुस्त व निरस्त दुनिया ने मेरे इस अभियान को नाकाम कर दिया, जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता था। तब मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया और करने के लिए कुछ और ढूंढ लिया। बाद के वर्षों में जंगल में इधर उधर घूमने, सांप व मछलियाँ पकड़ने और पहाड़ों पर पेड़ों पर चढ़ने में अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करने लगा। लंच बॉक्स व पानी की बोतल के साथ अक्सर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता था। शाखाओं को हिलाना डुलाना मुझे समाधि जैसी अवस्था की ओर ले जाता था, जहां मैं नींद में भी होता था और पूरी तरह से सतर्क भी। पेड़ पर समय का बिल्कुल बोध नहीं रहता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने तक वहीं बैठा रहता था। बहुत बाद में चलकर मुझे एहसास हुआ कि जीवन के उस दौर में ही अनजाने में मैं ध्यान करने लगा था। बाद में जब मैंने पहली बार लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया तो वह हमेशा झूम कर किया जाने वाला ध्यान स्विंग मेडिटेशन का होता था। यकीनन तब ध्यान शब्द में मेरा पाला भी नहीं पड़ा था। मुझे तो बस पेड़ का उस तरह हिलना पसंद था जो मुझे नींद और जागरण से परे की अवस्था में ले जाता था। कक्षा में बैठने के अलावा हर चीज में मेरा मन लगता था। यह दुनिया जिस तरह से बनी है, धरती के अलग अलग इलाकों के भूगोल और लोगों के रहन सहन के बारे में पढ़ना जानना, तो मैं दूर देहात की धूल भरी सड़कों पगडंडियों पर अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता था और हर दिन कम से कम 45 किलोमीटर का सफर तय करता था। घर पहुंचते पहुंचते धूल और कीचड़ से बुरी तरह सन जाता था। मैं जहां जहां से गुजरता उन इलाकों का नक्शा अपने दिमाग में खींचना मुझे अच्छा लगता था। मैं जब भी अकेला होता अपनी आंखें बंद करके मैं मन में उन सभी स्थानों का नक्शा खींचता। हर एक चट्टान का, सभी टीलों का, एक एक पेड़ का, जुताई के बाद अलग दिखती जमीन, खेतों में उगती फसलें और अलग अलग मौसम, ये सब मुझे लुभाते थे। इसी वजह से मैं थॉमस हार्डी के लेखन की तरफ आकर्षित हुआ। इंग्लैंड के भूभाग के उनके वर्णन कई पन्नों में फैले रहते हैं। आसपास की दुनिया को मैं उसी तरह अपने जहन में सहेजे रखता था। आज भी वह सब मेरे दिमाग में एक चलचित्र की तरह कैद है। अगर मैं चाहूं तो बेहद स्पष्टता और बारीकी से वह सब दोहरा सकता हूं जो मैंने उन सालों में देखा था। मैं घोर शंकाशील था। अगर मेरे परिवार वाले मंदिर जाते तो 5 साल की उम्र में भी मेरे पास उनके लिए ढेर सारे सवाल होते थे। ईश्वर कौन है? वह कहाँ रहता है? वहाँ ऊपर कहाँ होता है? कुछ साल बाद कई और सवाल मुझे मचने लगे। स्कूल में बताया गया कि धरती गोल है, लेकिन अगर हमारी धरती गोल है तो किसी को कैसे मालूम कि ऊपर किस तरफ है? उन सवालों के जवाब कभी कोई नहीं दे पाया, इसलिए मैं मंदिर के अंदर कभी नहीं गया। ऐसे में मजबूर होकर मुझे जूते चप्पलों की रखवाली करने वाले के पास छोड़ देते थे।
वह मुझे बहुत जोर से बार बार अपनी तरफ खींचते हुए पकड़ने रखता था। वह जानता था कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी नज़र हटते ही भाग जाऊंगा। बाद के सालों में मुझे यह साफ दिखता था कि रेस्तरा से निकलते हुए लोगों के चेहरे मंदिर से बाहर आने वालों के मुकाबले ज्यादा प्रसन्न रहते थे। यह बात मुझे बहुत हैरान कर देती थी। हालांकि मैं शंकाशील था, लेकिन उसको मैंने अपनी पहचान नहीं बनाए रखा। हर चीज को लेकर मेरे पास ढेरों सवाल होते थे, लेकिन किसी भी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। दरअसल मुझे काफी जल्द यह एहसास हो गया था कि मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका नतीजा यह हुआ कि मैं अपने आसपास की हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। अगर कोई मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं गिलास को लगातार घूरता रहता। अगर मैं एक पत्ती उठाता तो उसको भी लगातार देखता। पूरी रात में अंधेरे को घूरता रहता। अगर मैं किसी कंकड़ को देखता तो उसकी छवि मेरे दिमाग में निरंतर घूमती रहती, जिसे मैं उसके हर कोण को जान जाता था। मैंने यह भी देखा कि भाषा इंसान की रुचि एक साजिश से अधिक कुछ नहीं है। अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि वह सिर्फ आवाज़ें निकाल रहा है और मैं उनके अर्थ निकाल रहा हूँ। तो मैंने अर्थ निकालना बंद कर दिया और फिर आवाज़ें मेरे लिए बड़ी हास्यपद बन गई। मैं देख सकता था कि उनके मुँह बनाई ध्वनियाँ उगल रहे हैं। अगर मैं एकटक देखता रहता तो इंसान भी विघटित होकर ऊर्जा के एक धुंधले गोले में तब्दील हो जाता, जब सिर्फ आकृतियाँ ही बच जाती। 3 अज्ञानता की इस स्थिति में मैं किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता था। डॉक्टर होने के नाते पिताजी सोचते थे कि मेरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण की जरूरत है। वे कहते थे, यह लड़का हर वक्त किसी न किसी चीज को बिना पलक झपकाए घूरता रहता है, लगता है यह पागल हो गया है। मुझे यह हमेशा से अजीब लगता है कि दुनिया इस बात को नहीं समझती है कि मैं कुछ नहीं जानता, कि अवस्था कितनी गहन है। जो लोग विश्वास और मान्यताओं में इस अवस्था को नष्ट कर देते हैं, वे एक बड़ी संभावना, जानने की संभावना से पूरी तरह चूक जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता एक द्वार है, जानने और ढूंढने का एकमात्र द्वार। माँ मुझसे कहती थी कि अपने अध्यापक पर ध्यान दिया करो। मैंने वही किया। जिस तरह का ध्यान मैंने उनकी बातों पर दिया, वैसा कभी कहीं और किसी ने नहीं दिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि वे क्या कह रहे होते थे, पर जब मैं कक्षा में होता था तो मैं बगैर पलक झपकाए उन्हें एकटक घूरता रहता था। किसी कारण से उन्हें यह हरकत कुछ खास पसंद नहीं आई। एक शिक्षक ने मुझसे जवाब सुनने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब मैं चुप रहा तो उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम या तो देवता हो या शैतान। फिर उन्होंने आगे कहा, और मुझे लगता है कि तुम शैतान हो। मैंने खास अपमानजनित महसूस नहीं किया। इसके पहले तक मैं अपने आसपास की हर चीज की अचरज दृष्टि से देखता था, रेत के कण से लेकर ब्रह्मांड तक को। लेकिन सवालों के जटिल जंजाल में मैं हमेशा एक निश्चितता थी, और वह थी मैं को लेकर। लेकिन मेरे शिक्षक के क्रोधपूर्ण कथन ने मेरे लिए कई सवाल और खड़े कर दिए। मैं कौन था? इंसान, देवता, क्या था? जवाब के लिए मैंने खुद को घूरने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तो मैं अपनी आंखें बंद करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। मिनट से घंटे हो जाते और मैं अपनी आंखें मूंद बंद किए बैठा रहता। जब मेरी आंखें खुली होती तब हर चीज मुझे हैरान करती थी। चींटी, पत्ती, बादल, फूल, अंधकार, हर चीज। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता तब कुछ चीजें मेरा ध्यान पहले से ज्यादा खींचती थी, जैसे किस तरह शरीर धड़कता है, किस तरह अलग अलग अंग काम करते हैं, आंतरिक ऊर्जा किन रास्तों से गुजरती है, शारीरिक संरचना किस तरह लय में रहती है। और यह तथ्य कि हृदय सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित है, इस चिंतन ने मेरे सारे मानव तंत्र की पूरी प्रक्रिया खोल कर रख दी। मैं यह या वह हूँ, जैसे आसन जवाब तक पहुँचने के बजाय इस चिंतन ने यह एहसास कराया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ हो सकता हूँ। हालांकि यह किसी नतीजे पर पहुँचना भी नहीं था। मैं को लेकर मेरी निश्चितता भी तब जाकर खत्म हुई जब इंसान होना क्या होता है कि गहन समझ पैदा हुई। स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जानने की मेरी समझ को इसे पिघाल दिया। मैं एक स्पष्ट प्राणी बन गया। अजीब अजीब तरह के अपने सभी तरीकों के बावजूद एक चीज जो अनुशासित ढंग में करता था
वह था मेरे योगाभ्यास। 12 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टी में मेरे योगाभ्यास की शुरुआत हुई। हर साल दादाजी के पुश्तैनी घर पर हम सभी चचेरे भाई बहन इकट्ठे होते थे। मकान के पीछे के हिस्से में 150 फीट गहरा पुराना कुआ था। जब बहनें लुका छुपी खेलती थी तब हम लड़के आमतौर पर कुएं में कूदने और उसे बाहर आने का खेल खेलते थे। कुएं में कूदना और ऊपर चढ़कर बाहर निकलना दोनों ही चुनौती भरे होते थे। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाए तो सिर दीवार से टकराया चकनाचूर हो सकता था। यही नहीं, चढ़ते समय सीढ़ियां नहीं होती थी, चट्टान की खुरदरी है कि आपने खुद ही तय कर लिया है कि आपको क्या खोजना है। आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की क्षमता महत्वपूर्ण है। दुनिया में आज बगैर किसी उद्देश्य के देखने की क्षमता खो गई है। हर कोई मनोवैज्ञानिक प्राणी बन गया है, वह हर चीज का मतलब निकालना चाहता है। खोजना किसी चीज की तलाश नहीं है, यह आपके बोध आपके देखने की क्षमता को बढ़ाना है। हाई स्कूल के बाद मैसूर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में मैं अपनी पढ़ाई खुद करने के लिए गया। मैं वहां सबसे पहले सुबह 9 बजे पहुंच जाता था और रात 8:30 बजे सबसे आखिर में बाहर निकलता। सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच मैंने दिन में भोजन नहीं किया। मैंने काफी किताबें पढ़ी, होमर से लेकर पॉपुलर मैकेनिक्स तक, काफ्का से लेकर कालिदास तक, दांते से लेकर डेनिस द मेनिस तक सबको पढ़ा। उस एक साल में मैंने काफी जानकारी हासिल की, लेकिन सब सवाल पहले से ज्यादा और हो गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ूं, लेकिन मैंने अपने साथ हर वक्त अनंत सवाल ढूंढना जारी रखा। लाले और मेरे अध्यापक दोनों के पास इनके जवाब नहीं थे। एक बार फिर मेरा ज्यादातर समय कक्षा के बाहर बीतने लगा। मैंने देखा कि कक्षा में सिर्फ नोट्स लिखवाने का काम होता था और स्टोनोग्राफर
बनाने का कोई मेरा इरादा नहीं था। मैंने एक बार एक अध्यापक से कहा कि वे नोट्स दे दें ताकि मैं उसकी फोटोकॉपी करा सकूं। इससे उनके लिखाने की समस्या और कक्षा में हाजिर रहने की मेरी मजबूरी खत्म हो जाएगी। अंततः सभी शिक्षकों के साथ मैंने एक समझौता कर लिया। वे कक्षा में मेरी गैर हाजिरी से ज़्यादा खुश थे। वे हर रोज मेरी हाजिरी लगाने लगे। महीने की आखिरी तारीख की हाजिरी गिन जाती। उस दिन मैं कक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए आता था कि अपने वादे पर कायम है या नहीं। हम कुछ लोगों को यह समूह विश्वविद्यालय परिसर के मैदान में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे जमा होने लगा। किसी ने इसका नाम बेन्य ट्री क्लब रखा और यह नाम हमारी पहचान बन गया। क्लब का आदर्श वक्ता था। हम बस मजे के लिए यह करते थे। हम उस पेड़ के नीचे अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर इकट्ठे होते और कई मुद्दों पर घंटे बिताया थे। जावा, मोटरसाइकिल को पहले से अधिक तेज कैसे चलाएं, से लेकर बस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं तक यहाँ अपनी मोटरसाइकिल से कभी नहीं उतरते थे। ऐसा करना तो उसका अनादर था। इससे विद्यालय की पढ़ाई पूरी होने तक मैं सारा देश घूम चुका था। शुरू में मैंने अपनी मोटरसाइकिल से दक्षिणी भारत की यात्रा की। बाद में अपनी मोटरसाइकिल से पूरे देश घूमा। इसके बाद देश की सीमाओं से बाहर का रुख करना स्वाभाविक ही था। लेकिन जब मैं भारत नेपाल सीमा पर पहुंचा, तो मुझे बताया गया कि मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे और भी कागजात चाहिए थे। इसके बाद में मेरा लक्ष्य बना कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा सकूं कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर कर पाऊं। यह सिर्फ घूमने की लालसा नहीं थी, सच तो यह है कि बेचना था। मैं कुछ जानना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या जानना है। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि इसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंतर्मन में जानता था कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि मैं आवेग में आकर कुछ करता था। बस मेरा झुकाव जीवन की ओर था। मैं अपने कामों के नतीजे को आंकता था। वे जितने खतरनाक होते, मुझे उतना ही आकर्षित करते थे। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूत जरूर बहुत कृपालु होंगे और उन्हें जरूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता होगा। अपनी हदों को आंकने, सीमाओं को पार करने की हरकत हमेशा मेरे अंदर थी। क्या और क्यों मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहे, सिर्फ कैसे एक ही सवाल होता था। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ बनने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ यह सोचता था कि जीवन को कैसे जीना है और जानना चाहता था कि कैसे। सिर्फ ही तय कर सकता हूँ यह मेरे अंदर होगा। उन दिनों मुर्गी पालन की ज़बरदस्त मांग थी। मैं कुछ कमाना चाहता था ताकि अपनी बेलगाम और निरुद्देश्य घूमने की इच्छा पूरी कर सकूं। तो मैं इस धंधे में घुसा। मेरे पिताजी ने कहा, मैं लोगों को क्या कहूंगा यह कि मेरा बेटा मुर्गियां पालता है। लेकिन मैंने अकेले अपने दम पर अपना मुर्गी पालन फार्म शुरू किया। धंधा चल निकला, मुनाफा बढ़ने लगा। मैं हर सुबह इस काम को 4 घंटे देता था, बाकी समय पढ़ने, कविता लिखने, कुएं में तैरने, ध्यान लगाने और बरगद के विशाल पेड़ पर बैठकर दिवास्वप्न देखने को गुजारता था। सफलता ने मुझे जोखिम लेने के लिए उकसाया। मेरे पिताजी हमेशा अफसोस करते थे कि उनके बेटे के अलावा हर कोई इंजीनियर या उद्योगपति बन गया है, प्रशासनिक सेवा में भर्ती हो गया है और फिर अमेरिका चला गया है। हर जगह जिस किसी से मैं मिलता, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मेरे स्कूल और कॉलेज के पुराने शिक्षक, वे कहते, ओह, हमें लगता था कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बनोगे, पर तुम तो इसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ साझेदारी में मैंने भवन निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। 5 साल में हम एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गए और हमारी गिनती मैसूर के अग्रणी ठेकेदारों में होने लगी। मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, लेकिन वे खुश थे। मैं जोश से भरपूर और अपने इरादों का पक्का था। मुझे उत्साह था और मैं नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता था। जब आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है, तो लगता है कि सभी ग्रह आपके चक्कर काट रहे हैं, न कि सूरज के। जब सितंबर 1982 की उस दोपहर को मैंने अपने चेक मोटरसाइकिल में चामुंडी पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, तब मैं इसी तरह का नौजवान था। तब मुझे अंदाज नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी। बाद में जब मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की,
उस दिन पहाड़ी पर मुझे क्या हुआ था, तो वह मुझसे बस इतना ही कह सके, क्या तुमने पी रखी थी, क्या तुमने कोई नशा किया था। वे इस नए आयाम के बारे में मुझसे ज्यादा बेखबर थे। वे अचानक मेरी जिंदगी में विस्फोट की तरह आया था। इससे पहले कि मैं इसका मतलब निकालना शुरू करता, मुझे फिर वही अनुभव हुआ। एक हफ्ते बाद की घटना है। परिवार वालों के साथ मैं खाने की मेज पर बैठा था। मुझे लगा कि वह बस 2 मिनट तक चला, लेकिन 7 घंटे बीत चुके थे। मेरे पूरे होशोहवास में वही बैठा हुआ था, लेकिन जिस मैं को मैं जानता था वह नहीं बचा था। बाकी सब कुछ वहाँ मौजूद था और वक्त गुजर गया। मुझे याद है कि परिवार के कई लोगों ने मेरे कंधे पर थपकी दी थी, मुझे पूछा कि क्या हुआ है, मुझसे खाना खाने को कहा। मैंने बस अपना हाथ उठाकर उन्हें जाने के लिए कहा। तब तक वे मेरी अजीबोगरीब हरकतों के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं सामान्य स्थिति में लौटा तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। ऐसे अनुभव बार बार होने लगे। जब भी ऐसा होता था तो लगातार कई घंटों तक मैं न तो कुछ खाता और न सोता, बस एक जगह बैठा रहता। एक बार तो सुबह यह अनुभव 13 दिनों तक चला। जब यह शुरू हुआ तब मैं एक गांव में था। यह अवस्था अभिभूत करने वाली और अकथनीय शांति और परमानंद की अवस्था थी। गांव वाले मेरी इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, वो ये जरूरी जरूरत समाधि में होंगे। समाधि शरीर से परे आनंद की एक अवस्था है, जिसके बारे में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में काफी कुछ लिखा गया है। भारत उस तरह का देश है जिसमें लोगों को आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ है, पर मुझे उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं तो ब्लू डेनिस जीन्स पहनने वाला इंसान था। जब मैं उस अवस्था से बाहर आया तो मुझे फूलों की माला पहनाना चाहता था, तो कोई मेरे पैर छूना चाहता था। यह सब मुझे पागलपन लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। वो दिन मैं दोपहर को खाना खा रहा था, मैंने मुंह में पहला निवाला रखा था कि अचानक वही अनुभव हुआ। उस पल में इंसानी पाचन की चमत्कारी प्रक्रिया को अनुभव कर पा रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक भारी चीज, धरती का एक टुकड़ा, मेरा हिस्सा बन रहा था। भौतिक स्तर पर हम सब ये जानते हैं कि धरती का एक हिस्सा भोजन हमारा पोषण करता है, और फिर एक दिन हमारा शरीर उसी धरती का पोषण करने के लिए उस मिट्टी में मिल जाता है जिसने कभी हमें जीवन दिया था। लेकिन जब यह बोध अनुभव के स्तर पर प्रकट हुआ तो इसने मैं कौन हूँ के मेरे मूलतः दृष्टिकोण को ही बदल दिया। धरती समेत अपने आसपास की हर चीज के साथ मेरे संबंधों में जबरदस्त बदलाव आ गया। हम में से हर एक में मौजूद उस असाधारण बुद्धिमता के प्रति जागरूक होता चला गया, जो रोटी के एक टुकड़े या सेब को एक ही दोपहर में इंसानी शरीर के में रूपांतरित कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जब मैंने अपनी पूरी चेतना में उस बुद्धिमता को, जो सृष्टि का स्रोत है, स्पर्श करना शुरू किया तो मेरे आसपास अकथनीय लगने वाली चीजें घटित होने लगी। मैंने जिन चीजों को स्पर्श किया वे किसी न किसी तरह से रूपांतरित हो गई। लोग मेरी तरफ देखते थे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगते थे। कई लोगों ने दावा किया कि बस मुझको देखने भर से ही उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल गई। मैंने खुद को भी कुछ ही घंटों में ऐसी बीमारियों से स्वस्थ होते पाया जिनसे ठीक होने में मुझे सामान्य चिकित्सक देखभाल के माध्यम से महीनों लग गए होते। हालांकि उन सब बातों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। बहरहाल बाहरी और अंदरूनी हकीकत को रूपांतरित करने की मेरी यह क्षमता मेरे भीतर और मेरे आसपास आज भी काफी नाटकीय ढंग से जारी है। ऐसा नहीं था कि मैंने इसे हासिल करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश की थी। बात बस इतनी सी है कि एक बार जब कोई बुद्धिमता के इस गहन आयाम के संपर्क में आ जाता है, जो यहाँ पर हमारे अस्तित्व का आधार है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से चमत्कारी बन जाता है। लगभग 6 से 8 हफ्तों में यह अविश्वसनीय अनुभव एक जीती जागती हकीकत बन गया। इस दौरान मेरे बारे में हर चीज नाटकीय ढंग से बदल गई। मेरे शारीरिक बनावट, मेरी आंखों का आकार, मेरी चाल ढाल, मेरी आवाज और कद काठी सब इतनी तेजी से बदलने लगे कि मेरे आसपास के लोगों ने भी इस पर गौर किया। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा था वह और भी अद्भुत था। 6 हफ्तों के अंदर पुरानी यादों की सचमुच बाढ़ सी आ गई। कई जन्मों की याददाश्त लौट आई। अब मैं अपने अंदर
एक ही पल में घटित हो रही लाखों अलग अलग चीजों के बारे में जागरूक हो गया था। यह एक केलाइडोस्कोप की तरह था। मेरा तार्किक दिमाग कह रहा था कि इसमें से कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं अपने अंदर देख रहा था वह दिन की रोशनी से अधिक साफ था। लेकिन मैं मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वह गलत हो। मैंने खुद को हमेशा एक चतुर युवक की तरह जाना था। अचानक मैं स्वयं को एक नासमझ और बेवकूफ नौजवान जैसा महसूस करने लगा था और इस हैरानी से मैं समझौता नहीं कर पा रहा था। लेकिन यह जानकर मुझे और खीज हुई कि मेरी याददाश्त जो बता रही थी कि वह सच था। उस समय तक कोई भी चीज जो बुद्धि और तर्क के ढांचे में फिट नहीं होती थी उसे स्वीकार करने में पूरी तरह से इनकार कर देता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह जीवन ही है जो चरम बुद्धिमत्ता है। इंसानी बुद्धि तो सिर्फ चतुराई जो जिंदगी चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता जीवन और सिर्फ जीवन और जीवन का स्रोत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया को बताया गया है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर करुणा है, लेकिन अगर आप सृष्टि पर गौर करते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर या जो भी सृष्टि का स्रोत है वह सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से हर किसी में मौजूद उस सर्वशक्तिशाली बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तार्किक बुद्धि कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी है, लेकिन यह काफी सीमित है। दूसरों की भावनाओं के प्रति मैं खुद को अत्यधिक संवेदनशील भी महसूस करने लगा। सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मैं रोने लगता था। मैं यकीन नहीं कर पाता था कि लोग इतने अधिक कलेश सहते हैं, जबकि यहाँ मैं हूँ जिसके भीतर बेवजह परमानंद फूट रहा है। मुझे यह एहसास होने लगा, मैं थोड़ा समय लगा कि मेरे साथ जो हो रहा था वह आध्यात्मिक है। मैं यह समझने लगा कि पवित्र परंपराओं और धर्म ग्रंथों में जिस चरम अनुभूति कहा गया है वही मेरे साथ घटित हो रही है। जो मैं अनुभव कर रहा था वह दरअसल सबसे सुंदर चीज है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। पल पल मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद से विभोर हो रही थी। लोग बचपन की बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चा बेवजह हंस सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन मैंने देखा कि वयस्क जीवन में भी किसी के लिए परमानंद में रहना संभव है। यह हर इंसान के लिए है क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे अंदर से ही घटित होता है। मुझे एहसास होने लगा कि मेरे शरीर में बदलाव असल में पूरी आंतरिक संरचना का पुनर्गठन था। मैं 12 साल की उम्र में हठयोग का अभ्यास करता रहा था। 13 साल तक किया गया वह योग इस समय फलीभूत हुआ। योग दरअसल शरीर के पुनर्निर्माण का तरीका है ताकि वह ज्यादा बड़े मकसद की पूर्ति कर सके। मानव शरीर हार्ड मांस के एक टुकड़े की तरह भी काम कर सकता है और सृष्टि के स्रोत के रूप में भी इंसान को ईश्वरीय हस्ती में बदलने की एक पूरी तकनीक है। मनुष्य की रीढ़ हड्डियों की एक बेकार व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि असल में यह ब्रह्मांड की धुरी है। यह बस इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी शारीरिक संरचना को कैसे पुनर्गठित करते हैं। अपने मामले में मैंने शारीरिक तीव्रता की स्थिति से आगे बढ़कर अपने शरीर को इस तरह से रखना सीख लिया जैसे कि वह हो ही नहीं। इससे मेरा शरीर पहलू बहुत सहज हो गया। पहले से सारी तीव्रता मेरे शरीर में थी। लोग यह महसूस कर सकते थे कि अगर मैं किसी कमरे में घुसता तो इसका मतलब होता था कि कुछ करना है, लेकिन जब मैंने अपने शरीर को अलग तरीके से रखना सीख लिया था और जब मुझे एहसास हुआ कि यह अनुभव जो मुझे हुआ है वह असली में योग है, अस्तित्व और संपूर्ण जीवन के साथ एक और असीमता का अनुभव ही योग है। मैं हर रोज जो सरल योगासन किया करता था वह शारीरिक चुस्ती के लिए थे या ऐसा सोचता था, लेकिन चामुंडी पहाड़ी के उस अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था वह वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे मुझे एक ऐसे आयाम में पहुंचा सकती थी जो भौतिक आयाम से बहुत परे था। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, चाहे आप गलत कारणों से भी योग करें यह तब भी असर करता है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा है जो सीमाओं को नापसंद करता है, असीमित हो जाने की लालसा रखता है। इंसान की प्रकृति ऐसी है कि हम जो अभी है हमेशा उससे कुछ ज्यादा होने की इच्छा रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना हासिल किया जाए,
हम थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हैं। अगर हम इसे बारीकी से देखें तो हमें एहसास होगा कि यह लालसा और ज्यादा पाने की नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने की है। हम सब असीम हो जाना चाहते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि हम इसे किस्तों में पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप 5 फुट × 5 फुट के किसी कमरे में बंद है। यह चाहे कितना भी आरामदेह क्यों न हो, आप इसे आज़ाद होने की इच्छा रखेंगे। अगले दिन अगर आपको इससे बड़े 10 फुट × 10 फुट के कमरे में रख दिया जाए तो आप थोड़ी देर तो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन इससे आज़ाद होने की इच्छा जल्द ही लौट आएगी। साफ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी सीमा तय है। जिस पल आपको सीमा का बोध होता है, उसे तोड़ने की इच्छा सहज ही उठ खड़ी होती है। पूर्व के देशों में इस लालसा को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इंसानी गतिविधियों और प्रयास का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। आज़ादी या मुक्ति या मोक्ष को हर इंसान की एक स्वाभाविक लालसा और चरम लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। इस ऑडियो बुक का पार्ट 2 जल्द आएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं इस चैनल पर अपनी पहली ऑडियो बुक डाल रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में अगली किताब का नाम ज़रूर लिखना, मैं उसकी ऑडियो बुक जल्द लाऊँगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका पार्ट 2 जल्द